नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक एक्सटीरियर रेंडरिंग ट्यूटोरियल जो कि है अपने 3ds Max और Vray के अंदर। इसमें आप सीखोगे कि किस तरह से हम जो डी सीन रेंडरिंग करते हैं एक्सटीरियर की, वो किस तरह से Vray के अंदर की जाती है। और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे जो वीडियोस वगैरह हैं उनके अंदर मेरी वॉइस वगैरह नहीं है, तो पहला जो मेरा वीडियो है ये, इस पर मैं अपने वॉइस के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कौन से कमांड्स को यूज़ करते हैं, कैमरे को कैसे यूज़ किया जाता है, एंड जो वीडियो हम यूज़ करते हैं या और अदर अपने जो वीडियो लाइक्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक सिंगली कैमरा लिया हुआ है इस सीन के अंदर, और जो ये आप देख रहे हैं ये वाली सारी चीज़ें ये है प्रॉक्सीज हैं। अगर मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट किया और अपने मॉडिफाइल इसमें गया, मॉडिफाइल इसमें जाने के बाद ये Vray प्रॉक्सी जो बनाई हुई है ट्रीज वगैरह की, ताकि मेरा सीन काफ़ी ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब उसका साइज ज़्यादा ना हो और डिस्प्ले वगैरह में भी अच्छा खासा फास्टली वर्क कर सके। तो यहाँ से अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हो तो यहाँ पे अपने पास प्रीव्यू फ्रॉम फाइल, इसमें अपने जो कुछ परसेंट अपने जो हमारा जो मॉडल रहेगा उसको कुछ परसेंट यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इसके अलावा प्रीव्यू फ्रॉम फाइल फेसेस, इसके अंदर कुछ इस तरह के फेस दिखाई देंगे, ठीक है। एंड पॉइंट, इसमें ये देखो यहाँ पे पॉइंट शो हो रहा है, और शो ऑल मैच, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा जो प्रॉक्सी बना हुआ है उसका पूरा मैच जो होगा वो दिखाई देगा, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स की बात करते हैं, ताकि मेरा यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो फास्टली वर्क कर सके। आप अपने ऑब्जेक्ट को जैसे कहीं भी कभी कभार आप ग्रास वगैरह भी यूज़ करते हैं, ट्रीज वगैरह यूज़ करते हैं, या ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इंटीरियर में अपने सोफ़ा हुआ या बेड हुआ जो कि काफ़ी हैवी है, उनका मैच काफ़ी हैवी है, तो आप उसको प्रॉक्सी बना सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए जिसमें हम प्रॉक्सी बना सकते हैं कि किस तरह से हम प्रॉक्सी बनाते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं अपने एक्सटीरियर रेंडरिंग की, डी सीन की, ठीक है। यहाँ पे हमने एक Vray फिजिकल कैमरा प्लेस किया हुआ है जो कि मैं प्रोस्पेक्टिव कैमरा एंड Vray फिजिकल कैमरा 3 के नाम से ये है। मैंने यहाँ से शो सेफ फ्रेम, मतलब शिफ्ट एफ के इसकी शॉर्ट कमांड है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा कितना एरिया जो है वो रेंडरिंग में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये देखिए अपना जो घर का जो डिज़ाइन है एक्सटीरियर का, वो पूरा विजिबल हो रहा है कि कितना एरिया ये रेंडर करेगा अपने फ्रेम के अंदर, ठीक है। अभी मैं ये हटा रहा हूँ एंड यहाँ से चाहो तो आप शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो पर्सपेक्टिव वगैरह की, या जैसे भी कैमरा हमने प्लेस किया हुआ है। इसके अलावा मैं टॉप में गया टी प्रेस करके शॉर्ट कमांड, एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइट्स Vray और Vray सन, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग्स है, बेसिक कैमरा लेना है अपने को, बेसिक सेटिंग्स करनी है। मैं कैमरे की सेटिंग्स भी बता देता हूँ उसमें क्या होती है। मैंने ये एक सन लिया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली एड अ Vray स्काई एनवायरमेंट मैप, मतलब कि आप जो सन है उसका ऑटोमेटिकली Vray स्काई जो अपना टेक्सचर है जो बैकग्राउंड में एनवायरमेंट में जो आता है वो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो या नहीं। हम लगाना चाहते हैं इसलिए यस कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी पहले से था इसलिए मैं इसको वापस से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फ्रंट में गया और फ्रंट से मूव टूल लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। मॉडिफाइल इसमें गए, मॉडिफाइल इसमें जाने के बाद यहाँ पे है ट्रिब्यूटी, ट्रिब्यूटी हम इसका रखेंगे 3। ये क्या चीज़ होती है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ट्रिब्यूटी हम 3 क्यों रखते हैं। एंड ये है साइज मल्टीप्लर, साइज मल्टीप्लर हम क्यों रखते हैं अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों हम साइज मल्टीप्लर 5 रखते हैं, 2, 3, 4 जो भी वैल्यूज वगैरह होती है वो क्यों हम पुट इन करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से गए सी कैमरा और सेलेक्ट कैमरा, ठीक है। अभी हम बात करें एक्सटीरियर की, ठीक है। यहाँ पे ये डिफॉल्ट था, मैंने इसको जो डिफॉल्ट अपनी सेटिंग्स होती है
वो मैंने कर दी एफ नंबर, फोकस नंबर 8, ठीक है। और यहाँ से कस्टम की जगह मैंने किया न्यूट्रल, यहाँ से डिफॉल्ट जो होता है वो होता है अपना 200। ये मेरा 3ds Max 2018 स्टूडेंट वर्जन। तो इसमें क्या है, जो अपना वीरे है 3 हुआ या 3.6 जो भी है, ये यहाँ पे जो अपना कैमरा है, ठीक है, कैमरा जो है यहाँ पे आता नहीं है, उसकी जगह फिजिकल कैमरा आता है, वीरे का सिर्फ डोम कैमरा आता है। तो हम इसकी एक स्क्रिप्ट भी होती है कि किस तरह से लिया जाता है, आप मेरे बाकी वीडियोस में देख सकते हो कि जो स्क्रिप्ट है वो कैसे मैं रन करवाते हैं एंड कैसे हम 2018 में वीरे फिजिकल कैमरा लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया कि एफ नंबर जो डिफॉल्ट कैमरे का आता है वो 8 कर दिया, एंड उसके अलावा जो अपने शटर स्पीड 200 होती है एंड फिल्म आईएसओ 100 होता है, ये डिफॉल्ट है। ये जब हम कैमरा प्लेस करते हैं, चाहे आपका कोई सा भी 3ds Max हो, चाहे कोई सा भी आपका वीरे वर्जन हो, आप डिफॉल्ट लगाओ, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जो चेंजेस करने होते हैं वो करने होते हैं यहाँ से, D65 होता है, इसको हम न्यूट्रल के अंदर चेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, ठीक है। अभी जैसे आपके पास अगर वीरे 3.6, 3.5 या 3.3 का जो भी वर्जन हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वीरे क्विक सेटिंग्स होती है, ठीक है। आप यहाँ से एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर यूज कर सकते हो, इंटीरियर के लिए इंटीरियर, आप अगर आप VFX आर्टिस्ट हैं तो आप VFX का यूज कर सकते हो स्टूडियो सेटअप के लिए, जैसे कि अपने को कोई भी प्रोडक्ट होगा कि रेंडरिंग करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए स्टूडियो यूज करते हैं। अभी हम बात करें एक्सटीरियर की, तो मैंने इसी के लिए एक्सटीरियर पे क्लिक किया, ब्रूट फोर्स थोड़ा सा रेंडरिंग में टाइम लगाता है, इसलिए हम इरिडेंस मैप और लाइट कैश फास्ट जो मेथड है वो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं और फास्ट रेंडरिंग करनी एकदम चेक करने के हिसाब से हम इसको पूरा कम कर दिया, ठीक है। यहाँ से अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, मतलब जो अपना अभी हम अगर इसको रेंडर करेंगे तो जो अपना 3ds Max का जो डिफॉल्ट रेंडर फ्रेम है ये आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे वीरे फ्रेम बफर, जिसमें मैं चेंजेस भी कर सकूँ, कुछ एलिमेंट्स को मैं एडिट भी कर सकूँ, यहाँ पे इसके कलर करेक्शन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, ठीक है। यहाँ से मैंने ये किया, एक्सटीरियर की सेटिंग्स पर क्लिक करके इरिडेंस में लाइट कैश किया, इसको कम किया और इसको अनेबल कर दिया। अभी हम एक बार एक नॉर्मल रेंडर करके देखेंगे, हमने वीरे सेटिंग्स के ज्यादा कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट रखिए। कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि भाई वीरे सेटिंग्स बता दो, वीरे सेटिंग्स बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादा खास सेटिंग्स नहीं है। आप वीरे का 3 का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मली यहाँ से क्लिक बाय क्लिक आप यूज कर सकते हैं, इंटीरियर के लिए इंटीरियर का, एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर का, बस फास्ट फास्ट करने के लिए आप इरिडेंस पे और लाइट कैश यूज कर सकते हो। देखिए ये इतना रेंडर हो रहा है, अभी हमने लूप क्वालिटी में हम रेंडर निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन i7 और इसमें है 8 GB रैम एंड ग्राफिक कार्ड बहुत पुराना है, ये 8 साल पुराना लैपटॉप है इसलिए। तो बाकी जो मेरा मेन सिस्टम है वो i7 और 16 GB रैम है, 2400 mAh है, और अभी नया RTX 2080 मैंने लिया है, गेमिंग MSI सिस्टम में। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका सिस्टम i7 ही हो तो आप कैसे रेंडरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क कर रहे हो एंड कैसा आप उसमें सेटिंग्स वगैरह कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है रेंडरिंग आती है। सिस्टम का इतना सा फर्क पड़ता है कि आपका जो रेंडर 1 घंटे में हो रहा है, कुछ सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आप i3 i5 यूज कर रहे हो और आपका रेंडर 1 घंटा ले रहा है, तो i7 पे वो हो सकता है कि वो 40 मिनट में रेंडर करते हैं, या सर्वर पे आप रेंडर करते हो जैसे Xeon वगैरह में अच्छे खासे जो हैवी सिस्टम है, या रेंडरिंग सर्वर जो होते हैं वहाँ पे आप रेंडर करते हो, तो वो कुछ मिनटों में हो जाते हैं, ठीक है।
देखिए हमने ये सिंपली एक कैमरा प्लेस किया था, एक सन प्लेस किया था, उसके बाद में ये रेंडरिंग अपना आ रहा है, ठीक है। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि आप जब भी एक्सवेयर की रेंडरिंग हो डी सीन की, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा प्लेस करना है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग करनी है, 3065 की जगह अपने को न्यूट्रल करना है। एंड उसके अलावा हम जो लाइट का जो सोर्स है वो हम यूज करते हैं वीरे सन, ठीक है। वीरे सन भी हम डिफॉल्ट रखते हैं, लेकिन उसकी ट्यूबिटी अगर आपकी 2.5 है तो उसको 3 कर दो, और उसके बाद में जो साइज मल्टीप्लायर है वो 4 कर दो। अब साइज मल्टीप्लायर 4:1 या क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पे ये अपना वीरे लाइट लिस्टर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप अपनी लाइट्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रिब्यूटी 3.0 थी, यहाँ पे मैं एक बार क्रॉप रेंडर करता हूँ, जैसे कि ये अपना शेडो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्या होता है अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तब क्या होता है देखिए, एक बार रेंडर करके चेक करते हैं। ये थोड़ी सी हम सेटिंग्स बढ़ा लेते हैं, जैसे कि थोड़ा और अच्छा ये दिख जाए, ठीक है। ये हमने किया, और यहां से वापस एक बार रेंडर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सन का जो इफेक्ट आ रहा है एकदम शार्प आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे शार्प आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज मल्टीप्लायर जो है ये मैंने अगर डायरेक्टली 5 किया, ठीक है, क्रॉप को और क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्रॉप किया और रेंडर। अब देखिए ये शार्प नहीं आएगा, जितना ये शार्प आ रहा है उतना शार्प नहीं आएगा। हमेशा जब भी शाडो जनरेट होती है किसी भी चीज़ की, तो एकदम शार्प नहीं होती। सन की जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ पे वो थोड़ा सा फेड होता है, हल्का सा किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस उसका जा रहा है, एंड उसका जो शेडो क्रिएट हो रहा है वो हमेशा शार्प ना होके हल्का सा फेड होता है, कि थोड़ा सा डार्क एंड थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट, या लाइट से डार्क डार्क डार्क, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं साइज मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा हम साइज मल्टीप्लायर यूज करेंगे उतना ही ये फेड होगा, ठीक है, और 1 पे ये पूरा शार्प होगा। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर के लिए अराउंड 4 एंड 5 लगभग ये यूज करते हैं, और इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को हम देखो छेड़ते नहीं है, किसी भी चीज को हम यहाँ पे डिफॉल्ट रखते हैं, जो भी अपना रेंडरिंग का है एक्सटीरियर की, उसमें हम कैमरा डिफॉल्ट रखते हैं, सन को डिफॉल्ट रखते हैं, कोई भी चीज का चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अपना एक्सटीरियर रेंडरिंग का, एक बार हम इसका रेंडर करके चेक करते हैं। थोड़ा हमने इसका साइज भी, साइज 1500x844 ले रखा है, एंड जो इसका सेटिंग्स है थी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी थी यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक्सटीरियर रेंडरिंग का। अब इसके अलावा कुछ इंटीरियर के वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से उनमें हम काम कर रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। और जो ये मेथड है आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखना, ढंग से देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक्सटीरियर के हम रेंडरिंग कर रहे हैं, और रेंडरिंग ही मेन चीज नहीं होती। आप जब तक अच्छी खासी मॉडलिंग या उसको एनवायरमेंट को अच्छा सा सेट करो, घर का जो डिजाइन बनाया है उसमें टेक्सचर वगैरह अच्छे से यूज करो, और उसके बाद में उसका थोड़ा सा एनवायरनमेंट जनरेट करो, जितना अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी अपना रेंडरिंग का आएगा, क्योंकि पूरा रियलिज्म की तरफ जाता है। अब मेरे पास कई भाइयों के मैसेज आते हैं, या कईयों के मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा रियलिस्टिक नहीं आ रहा, या रेंडरिंग का रियलिस्टिक नहीं हो रहा। तो कारण यही होता है कि आप वीडियो देख रहे हो लेकिन पूरा तो देखते नहीं हो, काट काट के देखते हो, तो चीज़ समझ में नहीं आएगी कहाँ पे मैंने कौन सा क्या कमांड को यूज़ किया, एंड क्या चीज़ मैंने वहाँ पे पुट इन किया, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि आप सारे चीज़ तो कर लेते हो लेकिन रेंडरिंग फिर भी नहीं आती, कारण यही होता है कि आप जितना अच्छा हो मॉडलिंग के ऊपर ध्यान दो, कि
अच्छे से अच्छे मॉडलिंग कर सकूँ, हर एक चीज़ को रियल, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स यूज़ करो, जैसे अगर रोड बनानी हो तो रोड के एलिमेंट्स यूज़ करो, बिजली के पोल वगैरह यूज़ करो, एंड उनके अलावा जैसे कि थोड़ा सा कार वगैरह, पीपल्स वगैरह, या कुछ एनिमल्स दिखाओ, कुछ पत्तियां वगैरह, यहाँ पे लीफ वगैरह जो पड़ी हो वो थोड़ा सा जनरेट करो, ग्रास वगैरह के कुछ एक लगा दो, एंड कुछ एक प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह, थोड़ा सा एनवायरनमेंट जितना अच्छा जनरेट करोगे, उसके लिए आप गूगल वगैरह पे या पिंटरेस्ट वगैरह पे आप वहाँ जाकर अच्छे खासे एनवायरनमेंट के डाउनलोड कर सकते हो, पिक्चर्स वगैरह वहाँ से आप रेफरेंसेस ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और तो कहने का मतलब ये है कि पहले सबसे सब पहला काम जो है डिजाइनिंग का, चाहे आपका इंटीरियर हो चाहे आपका एक्सटीरियर हो, सबसे पहले आप उस चीज को ढंग से अच्छा सा जनरेट करो, उसको पूरा बनाओ बढ़िया सा, जितना अच्छा बढ़िया बनेगा उतनी ही अच्छी अपनी रेंडरिंग आएगी। रेंडरिंग का कोई ऐसा कोई ज्यादा सेटिंग्स नहीं है, आपके सामने मैंने ना कोई ज्यादा सेटिंग्स की है ना कुछ किया है, कैमरा डिफॉल्ट लगाया है, सन डिफॉल्ट लगाया है, उसी के बाद में अपना ये आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो, और रेंडरिंग भी काफ़ी अच्छी फास्ट हो रही है। आप ये देखिए अपना जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी भी दिख रही है, एंड रेंडरिंग भी अच्छी आ रही है। ये देखिए, तो दोस्तों इसी के साथ में मैं दूसरे वीडियोस भी लेके आऊँगा जिनमें मेरी वॉइस भी रहेगी, और आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मेरे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने अपने लिंक वगैरह शेयर कर रखे हैं मैसेंजर वगैरह के, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेंजर पे भी बात कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।